नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता के इंदौर स्थित घर पर 3 दिन पहले हुए बदमाशों द्वारा हमले के मामले में पुलिस ने अभी तक 4 से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं अन्य लोगों की तलाश में टीमें गठित कर तलाश की जा रही है। इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र स्थित रहने वाले बीजेपी के वरिष्ठ गोपी किशन के घर पर हुए बदमाशों के हमले के मामले में पुलिस द्वारा सीसीटीवी के आधार पर 4 से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं करीबन 20 से 25 लोगों को चिन्हित भी किया गया है, जिनकी तलाश के लिए पुलिस द्वारा अलग अलग टीम भी गठित कर अन्य राज्यों में भी भेजी गई है। डीआईजी का कहना है कि ऐसे बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा जो कि शहर में आतंक का पर्याय बन चुके हों। इनके पकड़े जाने पर इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके अवैध निर्माणों की भी नगर निगम के माध्यम से तलाशी कर उन्हें निस्तनाबूद किया जाएगा। फिलहाल पूरे ही मामले में सीसीटीवी की बारीकी से जांच की जा रही है और उसी के आधार पर बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश में पूरी टीम जुटी हुई है। पूर्व बीजेपी नगर अध्यक्ष के मौके पर हमला हुआ था, उस पूरे ही मामले में अब तक कितने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और किस तरह से आगे कार्रवाई होगी? उस मामले में अभी 4-5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी आज हो जाएगी। उसमें कुछ भी आरोपियों द्वारा निश्चित तौर पर सुराग लगा है और टीमें दूसरी जगहों पर जो दूसरे राज्यों में छिपे हुए थे उनकी टीमें वहाँ पर पहुँच के उन्हें आज अंतिम रूप से पूरी तरह से गिरफ्तार कर लेंगे। इसके साथ साथ उसमें कई कड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। जो मुख्य जो आरोपी हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है उसमें साथ साथ NSE की भी कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।